अब ये आकलन किस तरह से देखा जाए, क्या मोदी मैजिक का जिक्र जो कर रहा है आरएसएस, या फिर हिंदुत्व का जिक्र कर रहा है, क्या नेतृत्व कमजोर पड़ रहा है? देखिए, इस देश में अब मोदी मैजिक तो खत्म हो चुका है, लोग भी अब तंग आ चुके हैं उनके जुमलेबाजी से, उनके झूठ से तंग आ चुके हैं। अब कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ये हार चुके हैं, जैसे हिमाचल अभी हारे हैं, पंजाब हारे हैं, अब कर्नाटक भी हार गए। अब कर्नाटक में जहां 40% कमीशन वाली सरकार चल रही थी, जनता भी तंग आ गई थी, सारे लोग तंग आ गए थे, तो कहीं ना कहीं बदलाव तो होना था। अब येदियुरप्पा जैसे भ्रष्टाचारी को आप फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर उतारेंगे तो जनता क्यों एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब मोदी जी के साथ क्या दिक्कत है, अगर जीतती है तो मोदी जी का चेहरा लगा दिया जाता है जीतने के नाम पर, और अगर हार गई तो बेचारे नड्डा जी का चेहरा लगा देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है नड्डा जी के साथ, तो ये तो इस भाजपा में नहीं होना चाहिए। और संगठन के साथ जो भेदभाव हो रहा है भाजपा में, जो कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, और यानी संघ की मजबूती के साथ, आप ये कह रहे हैं संघ, बिल्कुल संघ की मजबूती के साथ भाजपा जीती है और जीती रही है, लेकिन अगर संघ को दरकिनार करेंगे तो ये फिर कभी जीत नहीं पाएंगे। तो संघ अगर इनसे नाराज है, जिस राज्य में संघ के प्रमुख रहेंगे, ये उस राज्य में कभी भी नहीं जीत पाएंगे। हाँ, चलिए, ये बात तो आपने मानी कि ये संघ जो है मजबूत है, ये बात तो आपने स्वीकार। अभी आपने पन्ना प्रमुख की बात की थी, देखिए पन्ना प्रमुख जो है ये एक छलावा है, पूरे अगर राज्य को ढूंढा जाए तो पन्ना प्रमुख क्या होता है कि हर 10 घर या 20 घर पे एक पन्ना प्रमुख होता है इनका। लेकिन ऐसा वन मैन शो का मतलब समझते हैं आप? वन मैन शो वन मैन शो वन मैन शो ही तो चल रहा है इस नहीं, उसका मतलब तो समझते हैं ना आप? जी, जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे राज्य में मोहल्ला क्लिनिक के लिए उद्घाटन करना है, आप दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के काम के बीच में जाकर कहेंगे कि नहीं मैं रिबन काटूंगा, इसका मतलब होता है वन मैन शो। तो वन मैन शो के चक्कर में ही तो सारा संगठन चल रहा है। वन मैन शो का मतलब होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब की योजनाओं को जाकर फीता काट रहे हैं।